आज जानते हैं दोस्तों अपने इस वीडियो में सुपरस्टार सिंगर 2 के संडे स्पेशल के दौरान में कौन सा स्पेशल मनाया गया, कितने परफॉर्मेंस हुए, किनका परफॉर्मेंस था दुनिया हिला देने वाला, कौन बने हैं टॉप 5 मेडल विनर्स, कौन बनी है टीम ऑफ द वीक और किनका हुआ है एलिमिनेशन, सारा कुछ आज हम दोस्तों इस वीडियो में जान पाएंगे जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। तो अभी से ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों सुपरस्टार सिंगर 2 के संडे स्पेशल जो कि रहा किशोर कुमार स्पेशल। इसमें किशोर कुमार जी के हैप्पी बर्थडे को सेलिब्रेट किया गया दोस्तों, जिसमें कि कोई भी स्पेशल मेहमान तो ऐसे बनकर नहीं आए थे, सिर्फ उन्हें सेलिब्रेट करते हुए ही यह स्पेशल मनाया गया। तो चलिए बात करते हैं इसमें कुल कितने परफॉर्मेंस हुए हैं दोस्तों। तो बता दूं कि किशोर कुमार स्पेशल के दौरान में कुल 6 परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले हैं, जहां पहला परफॉर्मेंस दिखाने के लिए ऋतुराज आते हैं दोस्तों, जिन्होंने कि 2 खूबसूरत से गाने को परफॉर्म किया, जहां पहला गाना फिल्म यादों की बारात से मेरी सोनी मेरी तमन्ना इस गाने को उन्होंने गाया है दोस्तों, तो वहीं दूसरा गाना फिल्म याराना से सारा जमाना हसीनों का दीवाना। ये दोनों ही गाने दोस्तों जबरदस्त थे, जिसे कि ऋतुराज ने बहुत ही खूबसूरती के साथ में पेश किया है, जिसे सुनने के बाद में जावेद अली जी ने इनकी जम के तारीफें की हैं और उनके लिए स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया है, और अलका याग्निक जी ने भी ऋतुराज की जम के प्रशंसा की है दोस्तों। दूसरा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए प्रांजल विश्वास आते हैं दोस्तों, जिन्होंने कि सिंगल गाना फिल्म परिचय से मुसाफिर हूँ यारो, यह इतना बेहतरीन और इतना खूबसूरत सा गाना था दोस्तों, जिसे कि प्रांजल विश्वास ने मानो दिल से परफॉर्म किया हो, सबों को अपना दीवाना बना लिया हो। हमारे तीनों जजेस ने इनकी जम के तारीफें की हैं और इनके परफॉर्मेंस को दुनिया हिला देने वाला परफॉर्मेंस भी बताया गया, और प्रांजल विश्वास ने भी उतनी ही खूबसूरती के साथ में इस गाने को प्रेजेंट किया दोस्तों। तीसरा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए साइशा गुप्ता आती हैं, जिनका साथ की पवनदीप देते हैं, जिन्होंने कि 2 खूबसूरत से गाने को पेश किया, जहां पहला गाना फिल्म चलती का नाम गाड़ी से हाल कैसा है जनाब का, तो वहीं दूसरा गाना फिल्म अजनबी से हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। ये दोनों ही गाने बहुत ही जबरदस्त थे दोस्तों, जिसे कि इन दोनों ने बहुत ही खूबसूरती से पेश किया और हमारे तीनों जजेस ने इनकी जम के तारीफें की हैं, वहीं इनके परफॉर्मेंस को दुनिया हिला देने वाला परफॉर्मेंस भी बताया गया। चौथा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए मनी आते हैं दोस्तों, जिन्होंने कि 2 खूबसूरत से गाने को पेश किया है, जहाँ पहला गाना फिल्म आंधी से तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तो वहीं दूसरा गाना फिल्म अगर तुम ना होते का टाइटल सॉन्ग हमें और जीने की चाहत ना होती। यह दोनों ही गाने दोस्तों मनी के जोनल से बाहर के थे, लेकिन बावजूद उसके इन्होंने बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरती के साथ में इस गाने को प्रेजेंट किया है। जावेद अली जी ने इनकी जम के तारीफ की है और स्टेज पर आकर उन्हें गले लगाया है। वहीं अलका याग्निक जी ने भी मनी के इस परफॉर्मेंस की जम के तारीफें की हैं और इनके परफॉर्मेंस को दुनिया हिला देने वाला परफॉर्मेंस भी बताया गया। पांचवा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए रोहन दास और प्रत्यूष आते हैं दोस्तों, इन्होंने भी 2 खूबसूरत से गाने को पेश किया, जहां पहला गाना फिल्म आपकी कसम से जय जय शिव शंकर, तो ही दूसरा गाना फिल्म कर्ज से पैसा ये कैसा पैसा इस गाने को प्रेजेंट किया। ये दोनों ही गाने दोस्तों बहुत ही एनर्जी से भरे हुए गाने थे, जिसे कि इन दोनों ने उतनी ही एनर्जी से और डांस परफॉर्म करते हुए इस गाने को प्रेजेंट किया है, जिसकी कि हमारे तीनों जजेस ने जम के तारीफें की हैं, स्टैंडिंग ओवेशन दिया है और साथ ही साथ इनके परफॉर्मेंस को दुनिया हिला देने वाला परफॉर्मेंस बताया गया। छठा और आखिरी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए दोस्तों मोहम्मद फैज आते हैं, जिन्होंने कि 2 गाने को पेश किया है, जहां पहला गाना फिल्म सागर से चेहरा है या चांद खिला, तो वहीं दूसरा गाना फिल्म डार्लिंग डार्लिंग से ऐसे न मुझे तुम देखो। ये दोनों ही गाने दोस्तों बहुत ही खूबसूरत थे, जिसे कि मोहम्मद फैज ने उतनी ही खूबसूरती के साथ में पेश किया और अलका याग्निक साथ ही साथ जावेद अली जी ने इनकी जम के तारीफें की हैं और इनके परफॉर्मेंस को जम के सराहा है। और इसके बाद में दोस्तों हमारे सभी जजेस और कैप्टन्स किशोर कुमार के लिए बहुत सारे गाने को प्रेजेंट करते हैं और सभी के सभी स्टेज पर आकर बहुत सारे गाने को पेश किया है। सभी 6 परफॉर्मेंस हो जाने के बाद में दोस्तों टीम ऑफ द वीक की बात आती है, तो इस वीकेंड में बने हैं दोस्तों साइली के सोल्जर, जिन्हें कि मिला है टीम ऑफ द वीक का खिताब।
तो बात करते हैं टॉप 5 मेडल विनर्स की। तो सारे कंटेस्टेंट के परफॉर्मेंस को देखने के बाद में दोस्तों इस वीकेंड में टॉप 5 मेडल विनर्स तो नहीं टॉप 6 मेडल विनर्स दिया गया, जिसमें पहला नाम साइशा गुप्ता का है, तो दूसरे स्थान पर प्रत्युष आनंद रहे हैं दोस्तों, तीसरा स्थान चैतन्य ने पाया है, चौथे स्थान पर मणि रहे हैं, पांचवा स्थान शोएब अली ने मिला है और साथ ही साथ छठा अवार्ड जो था दोस्तों वह जजेस के द्वारा चॉइस मेडल दिया गया और वह रहा मोहम्मद फैज के नाम। तो इस तरीके से यह टॉप 6 मेडल विनर बने हैं दोस्तों। अब बात करते हैं एलिमिनेशन की, तो इस वीकेंड में किसी भी तरह का कोई एलिमिनेशन नहीं किया गया है और सभी के सभी कंटेस्टेंट सेफ हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा दोस्तों कि आज इन सभी परफॉर्मेंस में से आपका फेवरेट परफॉर्मेंस कौन सा था, साथ ही साथ टीम ऑफ द वीक और टॉप 6 मेडल विनर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वह भी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और सुपरस्टार सिंगर 2 के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रभात जागरण। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।